पगली जाऊं तुहरी बलैया में, पग पगली जाऊं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज 8th ऑफ दिसंबर एंड आज है शादी एंड यू कैन सी कि पूरा शादी वाला घर लग रहा है और सब रेडी हो रहे हैं क्योंकि अभी सुबह है हल्दी और 10 बज गया। सो एवरीबॉडी इज गेटिंग रेडी क्योंकि टाइम लाइन मिल चुका है कितने बजे तक सब रेडी हो के ऊपर आ जाओ क्योंकि कल की मेहंदी में लेट हो गया था एंड जानवी थी स्ट्रगलिंग की बच्चा चुप हो जाए बट वो नहीं रहा उनसे ऐसे नहीं चलेगा। सो गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं और सबका पीला पीला आउटफिट है गाइस और अभी 12 बज गए हैं। हम लोग इतना लेट किया सब तैयार होते होते और मेरी तबीयत भी खराब हो चुका है थोड़ा मोड़ा। सो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आप लोग मेरे को हंसा रहे हैं मैं बोल नहीं पा रही हूँ। So guys, bride is here. You can see yellow yellow outfit में and bride की सबसे सुंदर मौसी इधर बैठी है, ये देख लीजिए। ये तो गजब है। और यहाँ पर अभी होगा हल्दी शुरू होने वाला है। दादी चुमा बहु सर्वस लुटाऊ रघु नंदन हे। दादी चुमा बहु सर्वस लुटाऊ रघु नंदन हे। ये दादी मन से आशीष सुना हो रघु नंदन है। ये दादी मन से आशीष सुना हो रघु हरदी चढ़ावे लाना अगमय कौन बाबा। हरदी चढ़ावे लाना अगमय कौन बाबा। हरदी चढ़ावे लाना अगमय कौन बाबा। Thank you.
बज रहे हैं, काफी ज्यादा लेट हो गया, शादी वाले घर में हो ही जाता है। एंड जानवी दी हम लोग के साथ आई तो उन लोग का जो ब्लाउज सिलने दिए थे वो आज अब भी थोड़ी देर पहले लेके आए हैं, और जानवी दी अपने घर गई और हम लोग घर आए हैं। सो वो लोग सब हम लोग तैयार होकर फिर घर जाएंगे। और एनी का मेहंदी दिखाती हूँ गाइस, एनी मेहंदी देखो अपना, ये देखो गाइस लुकिंग सो प्रिटी, नॉट यू, योर मेहंदी। ओके सो गाइस अभी नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ और मैं अभी बना रही हूँ चाय, और अंश अपना बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है मुझे। गाइस अब हम जा रहे हैं रेडी होने, तो चलिए रेडी होते हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा ही छोटे छोटे टाइनी हेडपम्प्स हो गए हैं, इसलिए कारण मेरा फेस काफ़ी ख़राब हो गया, बट चलिए गाइस लेट्स गेट रेडी। अभी गाइस वेट करो, मेरा मेकअप अच्छा लगेगा। अबे ब्रश कहाँ गायब कर दी जिससे शो ऑफ कर रहे थे। रेडी और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सबसे प्रिटी लग रही है, जो भाव खाता है गाइस, सबसे सुंदर लगता है जो। सो गाइस हम लोग सब रेडी हो चुके हैं और ओला आ रहा है, उसमें बैठ के हम लोग जाएंगे, और मेरा मेकअप बहुत मेरे को खराब लग रहा है। सो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं कार में, इधर दीदी है और इधर एनी है और इधर मैं हूँ और अंश आ गया। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, लोकेशन बता नहीं सकते, इट्स कॉन्फिडेंशियल गाइस। फोटो आगे चलता है ना, नो इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल गाइस, सॉरी फॉर द बैड जोक। और अभी कितना बजे टाइम एग्जैक्ट टाइम? 8:14 हो गया गाइस, मतलब 3 घंटा रेडी होने में लगा, हम लोग सोच सकते हैं। जुड़वा बहन गाना गाते हैं हम लोग, कौन सा गाना गाएंगे? सो गाइज आज बहुत ज्यादा लगन है पटना में, पटना ही में नहीं पूरे दुनिया में, मतलब पूरे इंडिया में, और काफी ज्यादा बैंड बाजा बारात हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ड्राइवर अंकल मेरे बातों से पक जाएंगे। सो पता नहीं पापा और मानी स्कूटी से आ रहे हैं, वो लोग दिख नहीं रहे हम लोग को आगे कि पीछे। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे, और गाइस हम लोग फैमिली होने का ये ना फायदा होता है कि आप लोग रूम में बैठ के आराम से खा सकते हैं, जनता के सामने खाएंगे। सो अभी हम लोग खा रहे हैं चाउमिन मंचूरियन, सो कंपनी मुझे दे रही है एनी गाइस, सी सो अभी हम लोग खा रहे हैं। सो हम लोग का गुपचुप कटा भैया, एक खिला दो भैया। अरे यार थोड़ा मेरे को, मेरा 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 थैंक यू। सो खाए कैसे? सो गाइस माय सीनियर्स आर हियर, सो टेल योर नेम्स भैया। हेलो गाइस, गाइस ये लोग मेरे बड़े फैन हैं, तो मुझे मिले यहाँ, बोले मैं आपके बहुत बड़े फैन है। हम लोग को गाइस बोलना था नहीं सिखाइए गाइस। सो गाइस ये है चंदन भैया और ये है अरुण भैया, सो ये लोग हमारे बहुत अच्छे भैया लोग हैं, और इनको बस फेमस होना है, इनको ज्यादा होना है। स्पून है ना। सो गाइस थर्ड आइटम खाने जा रही हूँ मैं, मेरे को सब भुक्कड़ घोषित कर देगा यूट्यूब पे ना। पहले मैंने खाया चाउमिन मंचूरियन, फिर गुपचुप खाई, और अब नेक्स्ट थर्ड ये चाट। कुंडा लग गया ताली, कुंडा लग गया था शादी यहाँ होने वाला है। एंड इधर जय माला है भैया, माया गाइस खाना पीना खा लिया है और अभी 10 बजे जा रहा है और बारात आ चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं देखे। चलिए गाइस KGF का हीरो इज हियर, जुबा केसरी पोस्ट। Oh, my God.
सजना सहरे
करोवा सजना हो तुझ पे निसार में लो नजरे उतार में मेरा तू अब से चुरा के सब से दिल में छुपा लो मेरे मत्थे ते चमकन बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जावे और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हों। ओरियो चिरैया तू कल सुबह उड़ जाना रे आज की रात रह जाना मेरे पास जाना मेरे पास। कहते हैं कि साथ साथ रहकर कभी किसी एक दी दीदी ए कुंभकर्ण उठो ना यार सुबह हो गई। हमारा और दी का रिश्ता एकदम लड़ाई ड्रामा फुल नौटंकी से भरा रहा। ये तो मेरे घर आई बनकर ही हम बच्चों में सबसे बड़ी मगर शायद ही इनका सिक्का कुछ चला रहा। 4 साल तक इनका भले ही एक छत्र राज था। ये 3-पीस सूट हम आज पहन रहे कहते हैं कि बचपन में सबसे ज्यादा ये सूट्स पहनने का इन्हीं के पास खिताब था। के दिन की ही कल्पना को हमने उस रोज ही देखा था। सारी लड़ाई झगड़े की जड़ कौन है ये भला कौन चुनेगा। तुम जो जा रही हो अब हम सबसे दूर तुम्हारे यादों को किस्सा कौन करेगा। ये जो बच गया है तुम्हारा ये हिस्सा कौन भरेगा। अभी तो यहीं से होकर गुजरा है ना बचपन। न जाने कब हम सब इतने बड़े हो गए गिरते संभलते यूं खिसक रहे। अजीमो सा सहन सा हुल्लर हुल्लर हो। अरे दी तुम जहां भी रहो सही से रहो हमारे दिल के पास हो
और हम सब की सबसे खास हो। आँखों से हो जल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो न जाना।